Hello everyone, I am Professor N. B. Sate, welcomes you all in the 33rd lecture of electrical measurement subject. So my dear students, we have discussed about the calibration of energy meter by direct loading method in the last lecture. Then we have also discussed about the different types of errors which are taking place in the single phase electronic energy meter. Then we have discussed about the advantages of electronic energy meter, and last we have discussed about the three phase electronic energy meter, right? Its construction and work. So now in today's lecture we are going to solve some examples on this energy meter constant, and we can find the errors, right? हम आज के लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं एनर्जी मीटर कॉन्स्टेंट्स के ऊपर. जो एग्जाम्पल्स है वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, और वहां से हम एरर कैसा फाइंड आउट करते हैं ये भी देखने वाले, ठीक है? सो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, आपको दिख रहा है 50 एम्पियर 230 वोल्ट एनर्जी मीटर makes 61 revolutions in 37 seconds. If the meter constant is 520 revolution per kilowatt hour, state the percentage error in the energy meter. So this is the given example. इसमें क्या क्या दिया है देखो, 50 ampere, या ampere किसका यूनिट होता है? करंट का. तो I की वैल्यू दी है यहाँ पे 50 ampere. 230 वोल्ट यानी यहाँ का वोल्टेज दिया है आपको. एनर्जी मीटर मेक्स 61 रिवोल्यूशंस इन 37 सेकंड्स. 37 सेकंड्स में यानी वहां की ये टाइम दिया है आपको, ठीक है? सेकंड्स में 37 सेकंड्स है, और वहां पे रिवोल्यूशंस कितने कर रहा है ये एनर्जी मीटर? 61 रिवोल्यूशंस वहां पे एनर्जी मीटर वहां पे दे रहा है अपने को, 61 revolutions. तो नंबर ऑफ revolutions हम n से डिनोट करते हैं, तो n की वैल्यू दी है यहाँ पे 61 revolutions. इफ द मीटर कांस्टेंट इज 520 revolution पर किलोवाट आवर, वहां का मीटर कांस्टेंट दिया है, तो हमने मीटर कांस्टेंट की एनर्जी मीटर कांस्टेंट की डेफिनेशन ये चैप्टर्स जो हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था उसके फर्स्ट लेक्चर में ही हमने एनर्जी मीटर कांस्टेंट की डेफिनेशन देखी थी, राइट? तो वहां का एनर्जी मीटर हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है? और के की वैल्यू यहाँ पे दी है 520 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर. नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है देखो, स्टेट द परसेंटेज एरर इन द एनर्जी मीटर. एनर्जी मीटर में जो परसेंटेज एरर होता है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है? समझ में आया? सो दिस इज द गिवन एग्जांपल. समझ लो एग्जांपल, इथं करंट दिलेला आहे आपला, वोल्टेज दिलेला आहे आपला आपल्याला, नंतर एनर्जी मीटरचे रिव्होल्युशन दिलेले 61 रिव्होल्युशन होत आहेत, म्हणजे यांची व्हॅल्यू दिलेली आहे आपल्याला 61, आणि इथला टाइम पण दिलेला आहे 37 सेकंद दिलेला आहे टाइम, आणि एनर्जी मीटरचं जे कॉन्स्टंट आहे म्हणजे के ची व्हॅल्यू दिली आपल्याला 520 रिव्होल्युशन पर किलोवॅट आवर, आणि त्यावरून आपल्याला दिलेला परसेंटेज एरर फाइंड आउट करायचा एनर्जी मीटर, ठीक? तर तुमच्या मेन एग्जाम मध्ये हे एग्जाम्पल 4 मार्क साठी विचारलं गेलेलं आहे, ठीक आहे? सो नाउ विल सी हाउ टू सॉल्व इट, ठीक आहे? देखो यहाँ पे हमें एज्यूम करना है, पहले तो पावर फैक्टर कितना है एनर्जी मीटर का? 1 है. सो एज्यूमिंग पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू 1. अभी गिवन में क्या क्या दिया है, के यानी आपका मीटर कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी है 520 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, देन एन की वैल्यू दी है आपको 61 रेवोल्यूशन दिए हैं, टाइम दिया है 37 सेकंड्स, वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट, एंड करंट दिया है वहां का 50 एम. नाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम बाय द लोड. लोड ने जो भी आपकी एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम की होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है किलोवाट आवर में, ठीक है? तो उसका फॉर्मूला रहेगा सिंपल, W इंटू टी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 3600, ठीक है? अभी आप ये सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो ये फॉर्मूला आपका एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम जो करता है लोड उसका है, ठीक है? और यहाँ पे W यानी आपका
पावर रहेगा, ठीक है। सो पी इंटू टी लिखते हैं अपन फॉर्मूला एनर्जी का, ई इज इक्वल टू पी इंटू टी। तो वैसे ही यहाँ पे ये फॉर्मूला लिया है, एनर्जी एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम बाय द लोड इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। पी के बजाय सिर्फ यहाँ पे ओमेगा लिखा है, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान में रखो, ओमेगा यानी डब्ल्यू है, या आप डब्ल्यू भी इसको कंसिडर कर सकते हो। डब्ल्यू क्या कंसिडर किया तो आपको समझ में आ जाएगा, ओमेगा की बजाय यहाँ पे आप डब्ल्यू कंसिडर करो, ठीक है। सो डब्ल्यू इंटू टी, डब्ल्यू यानी आपका पावर रहेगा क्योंकि पावर का यूनिट वैट होता है। सो डब्ल्यू इंटू टी ये रहेगा एंड डिवाइडेड बाय 1000। 1000 क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि ये जो मीटर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रेवोल्यूशन पर किलो वैट आवर में दी है। तो किलो के लिए कन्वर्जन यूनिट क्या होता है अपना, 10^3, सो दैट इज 1000। एंड आवर, आवर को अगर कन्वर्ट किया हमने सेकंड में, तो वहाँ के सेकंड्स कितने आते हैं अपने, 3600। तो ये फॉर्मूला बनता है अपना W इंटू टी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 3600। तो W के बजाय हम, W यानी पावर है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है अपना, वी आई कॉस पाए। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला पुट कर दिया, वी आई कॉस पाए इंटू टी एज इट इज डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 3600। अभी इसमें वैल्यू पुट करो सिंपल। तो यहाँ पे देखो कितना है वैल्यू, वोल्टेज का 230 है, इंटू करंट कितना दिया है 50, पावर फैक्टर ज़ूम किया है हमने 1 है, एंड टी यानी वहाँ पे टाइम कितना दिया है 37 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 3600। तो ये इसको कैलकुलेट करोगे आप कैलसी पे तो किलोवाट आवर में ये वैल्यू मिलेगी आपको, और वो होगी 0.1182। क्लियर है। सो ये हो गई आपकी एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम बाय द लोड, वो किलोवाट आवर में है वैल्यू, ठीक है। अभी एनर्जी रिकॉर्डेड बाय द एनर्जी मीटर, जो एनर्जी रिकॉर्ड कर रहा है एनर्जी मीटर, उसका फॉर्मूला है एन बाय के। तो ये फॉर्मूला कहाँ से लिया अपने, जो एनर्जी मीटर कांस्टेंट की डेफिनेशन बोली थी वहां पे एक फॉर्मूला है एनर्जी मीटर कांस्टेंट का, दैट इज के इज इक्वल टू एन बाय ई। के इज इक्वल टू एन बाय ई, ई यानी एनर्जी रिकॉर्डेड बाय द एनर्जी मीटर होगा, के यानी आपका एनर्जी मीटर कांस्टेंट होगा, एन आपके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होके। सो के इज इक्वल टू एन बाय ई फॉर्मूला है ओरिजिनल, बट हमें यहाँ पे एनर्जी रिकॉर्डेड बाय द एनर्जी मीटर कैलकुलेट करना है। तो उसको कैसे लिखा है हमने, एन डिवाइडेड बाय के, के इधर जाने के बाद एन बाय ये इधर आएगा, एन एन बाय ई रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें एनर्जी रिकॉर्डेड बाय एनर्जी मीटर कैलकुलेट करना है, तो उसकी वजह से यहाँ का के इधर आएगा डिनोमीटर में। सो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना, एन बाय के। समझ लो ओरिजिनल फॉर्मूला क्या सांगितलं मी तुम्हाला एनर्जी मीटर का, एनर्जी मीटर का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है तो सांगितलं मी की के चा जो फॉर्मूला है, तो के चा फॉर्मूला असा आहे, हियर के इज इक्वल टू, फॉर्मूला है अपना ओरिजिनल एन डिवाइडेड बाय, ये अपना ओरिजिनल फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू एन बाय ई। के यानी आपका एनर्जी मीटर कांस्टेंट रहेगा, एन आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन रहेंगे, ई आपका एनर्जी रिकॉर्डेड बाय दी एनर्जी मीटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ई का फॉर्मूला क्या आएगा, के डिनोमीटर में जाएगा और ये ई इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा अपने को, एनर्जी रिकॉर्डेड बाय एनर्जी मीटर, ई इज इक्वल टू एन बाय के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट किए है उन्होंने, वैल्यू क्या पुट किया है अपन ने, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यानी आपके 51 है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाय एनर्जी मीटर कांस्टेंट कितना दिया है वहां पर, 520। तो 520 यहाँ पे पुट कर दिया, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भी वैल्यू आपकी किलो वैट आवर में मिलेगी आपको। तो 0.1173 किलो वैट आवर ये वैल्यू मिल गया आपको। अभी यहाँ से आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हो, और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम माइनस रिकॉर्डेड एनर्जी डिवाइडेड बाय एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम्ड इनटू 100। तो एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम कितना है मिला है अपने को, 0.11
82 किलो वाट आवर, और रिकॉर्डेड एनर्जी कितना मिला है, एनर्जी रिकॉर्डेड बाय द एनर्जी मीटर 0.1173 6, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट कर दिया अपन ने, सो 0.1182 माइनस 0.113 0.1173 डिवाइडेड बाय 0.1182, ठीक है, इनटू 100 करोगे आप, आपको परसेंटेज एरर मिलेगा वहां पे, और परसेंटेज एरर कितना आएगा आपका 0.7614, क्लियर है। तो ऐसा चार मार्क के लिए एग्जाम में, आपके मेन एग्जाम में प्रॉब्लम पूछते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। सिर्फ आपको ये दो तीन फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम का, एनर्जी रिकॉर्डेड बाय एनर्जी मीटर का, ठीक है, एंड परसेंटेज एरर का, ये तीन फॉर्मूले ही आपको ध्यान में रखने, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। देखो, सिंगल फेज एनर्जी मीटर हैज अ कांस्टेंट ऑफ 6000 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो समझ में आया होगा ये क्या है आपका, एनर्जी मीटर कांस्टेंट यानी के की वैल्यू है, तो 6000 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर के की वैल्यू दिया है अपने को। अ टेस्ट वॉज कैरिड आउट विथ अ रजिस्टिव लोड फॉर 1 मिनट, हमें एक टेस्ट वहां पे कैरी आउट करनी है रजिस्टिव लोड के लिए 1 मिनट के लिए, तो टाइम कितना रहेगा आपका 1 मिनट, यानी आपके टाइम 60 सेकंड्स रहेगा, सो टी इज इक्वल टू 60, सो ड्यूरिंग विच मीटर मेड 40 रिवोल्यूशंस, तो वहां पे मीटर कितने रिवोल्यूशंस बना रहा है, 40 रिवोल्यूशंस, यानी एन की वैल्यू रहेगी आपकी 40, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द वोल्टेज वॉज 110 वोल्ट, वोल्टेज किती दिलाय तिथलं 110 वोल्ट दिलाय, आणि करंट दिलाय आपल्याला 3 एम्पियर आहे, आणि त्यावेळेस आपल्याला फाइंड करायचं परसेंटेज एरर। गिवन डेटा लिहायचा आहे सुरुवातीला, जर आपल्याला के एच व्हॅल्यू दिलेली 6000 रिव्होल्युशन पर किलो वॅट आवर, नंबर ऑफ रिव्होल्युशन दिलेत 40, टाइम दिलेला आहे आपल्याला 60 सेकंड्स, वोल्टेज दिलेला आहे 110 वोल्ट, आणि करंट दिलेला आहे 3 एम्पियर, कॉस फाय परत आपण अज्यूम करणार आहे, पॉवर फॅक्टर इथला 1 आहे, आणि त्यावेळेस एरर फाइंड आउट करायचा। फॉर्म्युला तोच आहे आपला जो फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये सांगितला मी, ऍक्च्युअल एनर्जी कंज्यूम बाय द लोड, फॉर्म्युला आहे व्ही आय कॉस फाय इंटू टी डिवायडेड बाय 1000 × 3600, व्हॅल्यू ठेवा याच्यामध्ये, सो व्ही ची व्हॅल्यू दिलेलं आपल्याला 110 इंटू करंट दिलेला तिथला 3 एम्पियर इंटू पॉवर फॅक्टर केला अजून आपण 1 × 60, टाइम किती दिला आपल्याला 1 मिनिट, यानी 60 सेकंड राहेगा वो, और डिवाइडेड बाय 1000 × 3600, इसको कैलकुलेट करोगे आप, ये वैल्यू मिलेगी आपको किलो वैट आवर में, और वो मिलेगी आपको 0.0055 किलो वैट आवर। नाउ एनर्जी रिकॉर्डेड बाय द एनर्जी मीटर, फॉर्मूला वही रहेगा एन डिवाइडेड बाय के, तो एन कितना दिया है 40 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू दी है 6000, तो इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 0.00667 किलो वैट आवर वैल्यू मिलेगी, और वहां से परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला है अपना, एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम्ड माइनस रिकॉर्डेड एनर्जी डिवाइडेड बाय एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम्ड इनटू 100, इसमें वैल्यू पुट करो और परसेंटेज एरर निकालो तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको -21.27%, ठीक है। तो यह है आपका सेकंड एग्जांपल। नाउ थर्ड एग्जांपल दिया है, देखो, 50 एम्पियर 230 वोल्ट एनर्जी मीटर, 50 एम्पियर यानी करंट कितना दिया है वहां पे 50 एम्पियर है, ठीक है, 230 वोल्ट यानी वोल्टेज दिया है वहां का, एनर्जी मीटर मेक 61 रिवोल्यूशंस यानी एन की वैल्यू दी है 61 रिवोल्यूशंस इन 37 सेकंड्स, यानी आपका टाइम दिया है वहां पे, सो इफ द मीटर कांस्टेंट इज 520 किलो रिवोल्यूशन पर किलो वाट आवर, अगर मीटर कांस्टेंट की वैल्यू वहां पे इतनी है 520 रिवोल्यूशन पर किलो वाट आवर की, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द एनर्जी मीटर, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, देखो कैसे सॉल्व किया है यहाँ पे। सो द मीटर कांस्टेंट कितना दिया है 520 रिवोल्यूशंस पर किलो वाट आवर, तो इसको कन्वर्ट करेंगे अपन 520 रिवोल्यूशंस दैट इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर, तो 1 के लिए 1K के लिए हमने 1000 वाट आवर लिया, और वाट आवर है यहाँ पे आवर है, तो उसको कन्वर्ट किया सेकंड्स में, तो ये 60 × 60 लिखेंगे, तो 1000 × ये 3600 रहेगी वैल्यू, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट करोगे आप
तो इतना वैल्यू मिलेगा आपको वैट सेकंड में, ठीक है, 3600000 वैट सेकंड, राइट। सो देयरफॉर वन रिवॉल्यूशन के लिए वैल्यू कितनी आएगी, ये डिवाइडेड बाय वहां के नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यानी 520। सो ये वैल्यू है आपकी डिवाइडेड बाय 520 करो तो ये वन रिवॉल्यूशन की वैल्यू मिलेगी आपको 6923 वैट सेकंड। हेंस 61 रिवॉल्यूशन के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपन, कितने रिवॉल्यूशन आपने यहाँ पे हो रहे हैं 61, सो 61 इंटू ये वन रिवॉल्यूशन की वैल्यू 6923, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 422303 वैट सेकंड हैज बीन रिकॉर्डेड और रजिस्टर्ड। नाउ पावर कंज्यूम कैलकुलेट करेंगे अपन, 230 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 11500 वैट, ठीक है। पावर कंज्यूम यानी पी इज इक्वल टू फॉर्मूला वी आई लिया है, ठीक है, वी कितना दिया है 230 एंड करंट दिया है वहां का 50, तो ये आ गया 11500 वैट, ठीक है, ये इतनी वैल्यू आ गई 11500 वैट आ गई वैल्यू, ठीक है। अभी सेकंड नेक्स्ट क्या किया है देखो, एनर्जी to be actually recorded within 37 seconds will be, हमें एनर्जी एक्चुअली रिकॉर्ड जो कर रहा है एनर्जी मीटर 37 seconds में वो कैलकुलेट करना है, यानी वो उसकी ट्रू वैल्यू होगी। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर कंज्यूम कितना है अपना 11500 वैट इंटू वहां का टाइम पीरियड कितना है अपना 37, यानी ई इज इक्वल टू पी इंटू टी है अपना फॉर्मूला एनर्जी का, सो पी ये आया है अपना 11500 एंड टी यानी आपके 37 सेकंड्स रह गए, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 425500 वैट सेकंड्स, ठीक है। देयरफॉर परसेंटेज एरर फाइंड आउट करेंगे अपन, ट्रू वैल्यू माइनस रजिस्टर और रीडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, तो इसमें वैल्यू पुट करो, देयरफॉर परसेंटेज एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू कितनी आई है 425,500 माइनस 4 लाख, रजिस्टर वैल्यू कितनी आई है 422,307, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है ये अपनी, ये रजिस्टर वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे 3 आया है शायद, ठीक है, 422,307 या फिर 3 आता है, ये कैलसी पे कैलकुलेट करो आप, आपको करेक्ट रीडिंग यहाँ पे मिलेगी वहां पे, और डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू वही रहेगी आपकी ये, तो इंटू 100 किया तो आपको परसेंटेज एरर मिलेगा वहां का 0.75%। तो ये थोड़ा अलग तरीके से इनको इन्होंने सॉल्व करके दिखाया है यहाँ, ठीक है। आप जो पहले दो एग्जांपल्स सॉल्व किए थे उस फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको ईजी लगे मेथड उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, ये 2 एम्पियर 110 वोल्ट एनर्जी मीटर मेक्स 21 रिवोल्यूशन इन 60 सेकंड, इफ द मीटर कॉन्स्टेंट इज 6000 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द एनर्जी मीटर। तब परत इथ काय काय दिले, 2 एम्पियर यानी करंट दिलेला तिथला आपल्याला, व्होल्टेज दिलेला आहे आपल्याला, व्होल्टेज व्ही इज इक्वल टू 110 व्होल्ट, एनर्जी मीटर 21 रिव्होल्यूशन बनवत आहे त्यामुळे यांची व्हॅल्यू असेल 21, टाइम दिलेला आहे 60 सेकंड, मीटर कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू के ची व्हॅल्यू दिली 6000 रिव्होल्यूशन पर किलोवॅट आवर, आणि त्यावेळेस आपल्याला परसेंटेज काढायचा आहे एनर्जी मीटर मधला, ठीक आहे। नेक्स्ट आता जे थर्ड एक्झाम्पल सॉल्व केलं आपण त्याच मेथडनं, सेम एक्झाम्पल आहे, व्हॅल्यू चेंज आहेत फक्त, त्याच मेथडनं आपण इथं पण ते सॉल्व केलेले, ठीक आहे। बघा काय काय दिलं, मीटर कॉन्स्टंट दिला 6000 रिव्होल्यूशन पर किलोवॅट आवर, तर 6000 रिव्होल्यूशन्सला आपण कन्वर्ट केलं 1 किलोवॅट आवर मध्ये, तर 1 किलोवॅट आवर म्हणजे 1000 वॅट आवर झाले, त्याला वॅट सेकंड मध्ये कन्वर्ट केलं परत, यांनी 60 इंटू 60 ने त्याला मल्टीप्लाय केलं, ती व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला एवढी,
ठीक है, 360000 वॅट सेकंड। आता 1 रिव्होल्यूशन ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली आपण, त्याच्यासाठी ही व्हॅल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिहोल, हे जी मीटर कॉन्स्टंट ची व्हॅल्यू आहे ती घ्यायची। सो मीटर कॉन्स्टंट ची व्हॅल्यू किती दिली आपल्याला, 6000। सो ही व्हॅल्यू डिवाइडेड बाय मीटर कॉन्स्टंट ची व्हॅल्यू जर केली तर त्यावरून आपल्याला 1 रिव्होल्यूशन ची व्हॅल्यू मिळते आणि ती येते मग 600 वॅट सेकंड। आता इथं किती रिव्होल्यूशन होत आहेत एनर्जी मीटरचे, 21। त्यामुळे 21 × ही व्हॅल्यू करा, तिथं मिळेल तुम्हाला 12600 वॅट सेकंड एवढी एनर्जी तिथं रेकॉर्ड केली जाईल किंवा रजिस्टर केली जाईल। ठीक आहे, 21 रिव्होल्यूशनसाठी एवढी एनर्जी, 12600 वॅट सेकंड एवढी एनर्जी तिथं रेकॉर्ड केली की जाईल किंवा रजिस्टर केली जाईल। त्यावरून पॉवर कॅल्क्युलेट केली आपण, पॉवरचा फॉर्म्युला तोच V × I। व्ही दिलेला आहे आपल्याला 110 आणि करंट दिलेला आहे 2 एम्पियर, त्यावरून आपण 220 वॅट पॉवर काढली। एनर्जी टू बी ऍक्च्युअली रेकॉर्डेड विदिन 60 सेकंड्स विल बी, 60 सेकंड्स मध्ये एनर्जी एनर्जी किती ऍक्च्युअली रेकॉर्ड केली एनर्जी मीटरनं, म्हणजे ती त्याची ट्रू व्हॅल्यू असणार आहे, म्हणजेच E = P × T म्हणतो आपण। सो पी पॉवर किती मिळाली आपल्याला, 220 × T, टाइम पिरियड किती आहे, 60 सेकंड्स आहे। सो 220 × 60 किया है यहाँ पे, तो कितना वैल्यू मिला आपने को, 13200 वैट सेकंड। देयरफॉर परसेंटेज एरर का फॉर्मूला वही रहेगा, ट्रू वैल्यू माइनस रजिस्टर वैल्यू, रजिस्टर वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो इसमें वैल्यू पुट करो, ट्रू वैल्यू कितनी आई है, 13200 माइनस ये वैल्यू कितनी आई है अपनी रजिस्टर वैल्यू में या फिर रिकॉर्डेड वैल्यू, 12600 डिवाइडेड बाय 13200 × 100 किया तो परसेंटेज एरर आपको मिलेगा 4.54%। क्लियर है? तो ये एग्जांपल आप जो हमने फर्स्ट टू एग्जांपल सॉल्व किया है उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये दो मेथड के अलग अलग एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए। ठीक है, ये एक मेथड मैंने बोला आपको एग्जाम सॉल्व, एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और ये सेकंड मेथड। ऐसे दो मेथड के हमने दो दो एग्जाम्पल आज के लेक्चर में सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो ये चारों एग्जाम्पल में किसी को डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, 4-4 मार्क के लिए आपके मेन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये 2-3 फॉर्मूले आपको सिर्फ ध्यान में रखने हैं, ध्यान में। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, ये 2-3 फॉर्मूले हैं फर्स्ट टू एग्जाम्पल्स में जो दिए थे मैंने, वो ध्यान में रखो। और ये तो डायरेक्टली सेपरेट करके यहाँ पे सॉल्व किया है, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, यानी पावर अलग से सॉल्व किया है, रिवोल्यूशन 1 रिवोल्यूशन की वैल्यू अलग लिया है, उसके बाद 61 रिवोल्यूशन के लिए अलग वैल्यू कैलकुलेट की है, और फिर एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की है, एंड लास्ट में परसेंटेज अलग कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये सेपरेटली सॉल्व किया है, इतना ही डिफरेंस है ये सारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये चारों एग्जाम्पल में किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक, तो हियर कंप्लीट्स योर फोर्थ टॉपिक, यहाँ पे अपना फोर्थ टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, और फोर्थ टॉपिक का नाम क्या था आपने, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स और भी आपकी बुक में सॉल्व करके दिए हैं, तो आप एक बार वो भी एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो, उस बुक में के एग्जाम में भी आप अगर किसी को डाउट्स आते हैं तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना फोर्थ टॉपिक खत्म होता है, और फोर्थ टॉपिक का नाम था मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर फिफ्थ एंड लास्ट टॉपिक, that is measuring instrument, right? So we'll stop here and we'll meet in the next lecture. So thank you for watching this video lecture again. We'll meet in the next lecture.